कोरोना वायरस का कहर इस कदर बढ़ गया है कि हर कोई इस महामारी से परेशान नजर आ रहा है। लेकिन वहीं इस बीच एक राहत भरी खबर भी सामने आई है। बता दें कि कोरोना से संक्रमित 5 सबसे गंभीर मरीजों का इलाज खून से ही किया गया है। ये खून उन मरीजों का था जो पहले से ही कोरोना वायरस से संक्रमित थे। इस इलाज को चीन के हॉस्पिटल में सबसे पहले अपनाया गया था। वहीं इलाज के बाद 3 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन 2 लोग अब भी अस्पताल में भर्ती हैं जिनका स्वास्थ्य पहले से बेहतर है। ऐसे मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना वायरस से संक्रमित हुए पुराने मरीजों के खून से ट्रीटमेंट करने पर काफी मरीजों को ठीक किया जा सकता है। इस खबर की जानकारी एक वेबसाइट ने दी है। बता दें कि चीन के एक हॉस्पिटल जिसका नाम है द शेनजिन थर्ड पीपल्स हॉस्पिटल, इस बात की जानकारी इस हॉस्पिटल ने 27 मार्च को दी थी। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि जिन नए मरीजों का पुराने कोरोना मरीजों के खून से इलाज किया गया था उनकी उम्र 36 से 79 साल के बीच में थी। वैज्ञानिक इस इलाज के तरीके को कोवेलेसेंट प्लाज्मा कहते हैं। इससे कई बीमारियों को ठीक किया जा चुका है। इसमें पुराने मरीजों के खून को नए मरीजों में डाला जाता है और उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जाती है। देखने वाली बात होगी कि भारत में जो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इस तरीके से क्या आंकड़े कम किए जा सकते हैं।